क्या करते हैं, ब्लेम किसको डालते हैं? भगवान को। अपने में नहीं लेंगे कि गड़बड़ मैं कर रहा हूं, मैंने पर्पस जाने की कोशिश ही नहीं करी कभी लाइफ के अंदर। पर्पस क्या है लाइफ का, पर्पस क्या है जानने की कोशिश करी आपने? नहीं करी, किसी ने करी? नहीं करी। कौन बताएगा? दैट इज व्हाई टू नो गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नोइंग गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो हु गॉड इज। रिमेंबर वन थिंग, दैट इज सेकेंडरी। टू नो हु गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट, और टू नो व्हाट ही वांट्स इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट, नहीं, व्हाट डज ही वांट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज बल्ब किसने बनाया है काफी लोगों को नहीं मालूम होगा, जरूरत ही नहीं है, परंतु चलता कैसे है, है? चलता कैसे है? भाई वो छेद सा होता है उसमें डाल दो तो हो जाता है मुंह खोल। रॉन्ग प्लेस, नॉट द राइट प्लेस। बल्ब लाइट ही देगा, लोग लाइट ही देता, कैसा बल्ब बनाया उसे बनाने वाले ने? नहीं, सही काम नहीं है बेटा। इसका काम क्या है? जैसे मुझे याद है छोटे थे तो क्या करते थे, मुझे मांझा बनाते थे हम, तो बल्ब टूटने होते थे उसमें, तो एक बार घर के सारे बल्ब उठा दिए। फादर आए तो लाइट ही जल्दी हुई, हुआ क्या? बोले बल्ब बने इसलिए कि उसको तोड़ के मांझा बना। बोले बेवकूफ, बल्ब बने जलाने के लिए, रोशनी के लिए, मांझा बनाना तो सेकेंडरी है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है उसका बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ये थोड़ी नए बल्ब बनाया मांझा बना ले गया सबके साथ। इसीलिए प्रभु जी हम लोग भी गलती ये कर रहे हैं, मांझा बना रहे हैं उससे, क्योंकि बल्ब का काम क्या है? Why this purpose? That's why tomorrow ये five truths से clear करूंगा ना प्रभु जी, पांचों तक, क्योंकि आप लोग हम लोग करते हैं ऐसा। जैसे पिता आपके डॉक्टर है तो ब्रेन सर्जरी सिखाओगे मुझे? अब तुमने दसवीं पास नहीं करी, ब्रेन सर्जरी कैसे आई? सिखाऊंगा, पर तू पहले उस लेवल पर आओ। तो ये पांच truths जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपने जो बेसिक क्वेश्चन किया ये purpose का किया। ये purpose अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, अभी तक मैं बताया कि why you should know God is to know the purpose. Now what is the purpose? That will be, I'll tell you after I complete the fifth. Not before that. Otherwise, you will not understand. Aapko samajh mein? Thank you.